नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम आगे आने वाले दिन के लिए। दिन होने वाला है अपना 18 अगस्त, 18 अगस्त, 18 अगस्त है कि 17 अगस्त है, एक मिनट दोस्तों, 18 अगस्त और दिन रहेगा शुक्रवार का। इम्पोर्टेंट डे है, वीकली कैंडल इस दिन क्लोज होगी, ठीक है, और उसी के प्रकार से उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि हमें कल क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए आपके चर्चा जो एनालिसिस था वो यही था, 19,380 इसके नीचे रहे तो हमारा जो है क्या है, ये हैमर जो बना हुआ है इसका जो जोन है वो फेल होने वाला जोन जो है वहां पे मार्केट स्टार्ट करना शुरू कर देगा ट्रेडिंग। और ये हैमर को अगर पास होना है, तो मार्केट कहाँ ट्रेडिंग करेगा, 475 के ऊपर, ठीक है। बट मार्केट ने एक रेड क्लोजिंग दी है जो कि अच्छी नहीं है और 19,380 के नीचे दी है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, जो थर्सडे की क्लोजिंग होती है, थर्सडे यानी जो एक्सपायरी की क्लोजिंग होती है वो कभी कभी धोखा दे जाती है, ठीक है। वो फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा जो एक्सपायरी की क्लोजिंग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो एक क्लोजिंग ये भी है, ये वाली, ये जो कैंडल यहाँ बना हुआ है ये भी थर्सडे की ही क्लोजिंग है, ठीक है। और अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो ये पैटर्न बन रहा है, पैरेलल चैनल का। अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं तो ये आपने कल भी देखा होगा, ये ठीक है। तो ये जो आप नीचे की तरफ क्लोजिंग देख रहे हैं ये भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन था इस चैनल का, ठीक है। बट यहां पे हम इस कैंडल की बात क्यों कर रहे हैं जो आज हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। इस कैंडल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमें कैंडल देखने को मिली है वो इस चैनल के नीचे देखने को मिली है जो 2 दिन से यहां पे बच रहा था, ठीक है। और क्या नया चीज है, क्या नई चीज है, देखिए मुझे नहीं पता आप लोग ऑब्जर्व करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो खिचड़ी यहां पे बन रही थी इसी खिचड़ी में एंट्री करते हुए इस पूरे वीक में, मंडे को ग्रीन क्लोजिंग है, वेडनेसडे को ग्रीन क्लोजिंग है, आज हमें थर्सडे को एक रेड क्लोजिंग देखने को मिली पहली बार। ये तो नीचे से ऊपर आया था, जब ऊपर से नीचे आया है इस जोन में, टुडे इज द फर्स्ट कैंडल जो आज बनी है जो रेड कलर की बनी है, ठीक है। फर्क है, नीचे से जाते हुए ऊपर जाके कंसोलिडेशन करना, फिर ब्रेकआउट देना, ऊपर से आते हुए नीचे आके इस जोन के अंदर रेड कैंडल बनाना, तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़ी सी बेयरिशनेस है। मतलब कुछ पहले इंडिकेशन मिले हैं कि ये जोन टूटेगा अब 19,250 से लेके 19,350 आप कह सकते हैं नीचे की तरफ जो जोन बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल के पर्पज से है, मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसके बेस पे बाय और सेल का बटन दबाते हो और उसके बाद जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आपको होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, मैं मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज़ है, हमको आज इस चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है यहाँ पे, ये अब बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम यहाँ के आसपास निफ्टी को देखेंगे, ठीक है, जो कि मुझे तुरंत हाल फिलहाल में दिखता है वो ये लेवल दिखता है, ये मैंने आपके सामने लकीर खींची है 19,200, इसके आसपास निफ्टी हमें एज पर टेक्निकल
बहुत जल्द मिलना चाहिए, 19,200। ठीक है, अब आ जाइए ट्रेडिंग पर्पज से, हमें किस प्रकार से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सेल साइड में तभी रहिएगा जब 19,380 के नीचे रहता है, इसको लिख लीजिए। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, दिमाग में नहीं घुसाएंगे, तो लॉस ही हाथ लगेगा। ठीक है, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बाय भैया तभी है जब 19,475 के ऊपर निकले। तो सेम टाइप का, सेम प्रकार का एनालिसिस है, 19,380। मैं थोड़ा छोटे टीएफ पे चलता हूँ, थोड़ा छोटे टीएफ पे चलता हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये है 19,380, ये है 19,475, ये आपकी बाई की लाइन है। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, टारगेट 19,200। इससे ज़्यादा लंबा मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वीकेंड पे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को, मार्केट में हम आगे किस प्रकार के पैटर्न बन रहे। कल एक इम्पोर्टेंट डे है, शुक्रवार का दिन है, ठीक है, कल हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए, ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, पर इसने भी अब एक रेड कैंडल बनाई है इस खिचड़ी जोन के अंदर, है ना, इस खिचड़ी जोन के अंदर इसने भी आज एक पहली रेड कैंडल बनी है। भले ही डोजी टाइप की कैंडल हो, पर 7.6 या 7 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोज किया है ओपनिंग से। तो अब नियम क्या कहता है, टेक्निकल क्या कहता है, इस जोन में जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड कहां पर है आपका, 43,350 से लेके 43,500, वो लोअर बैंड बैंक निफ्टी को टच करना है, 43,350 से लेके 43,500। यहां पे एक लाइन हम डाल देते हैं, ये सब चीजें जानते हैं जो मेरे को पिछले एक डेढ़ साल से फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें वो जानते हैं जो मैं बोलता हूं। ठीक है, दूसरी भी डाल ही देता हूं, ठीक है, ये देखिए आया इस जोन में, एंट्री करी इस जोन में, एंट्री हुई अपना, इसमें बीच में एक लाइन खींच लीजिए 44,000, ऊपर की लाइन है 44,500, नीचे वाली लाइन है 43,350। अभी ऊपर से आया, बीच वाली लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत हद हद कंसोलिडेशन हुआ था और काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे इंक्लूडिंग मी। ठीक है, इसके अंदर अब ये रेड क्लोजिंग के साथ इसने आज क्लोजिंग दी है। अब नियम के मुताबिक 44,000 बिलो रहे, हाल तो इस पूरे पैटर्न का जो SL है वो ये बनता है, सिंगल क्लोजिंग अबव दिस रेड लाइन 44,500, तो जो व्यू है वो बुलिश हो जाएगा। बट इस बुलिश व्यू को हम SL लेके नहीं चल सकते, वी विल रिमेन इन शॉर्ट बिलो 44,000। नाउ 90% चांसेस आर देयर वी विल टच दिस रेड लाइन बिलो बॉटम लाइन जो सपोर्ट है, हम सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए जाएंगे। ये टेक्निकल का नियम कहता है 90% चांसेस अब यही बन रहे हैं। और इसको ट्रेड कैसे लेना है 44,000 के, देखिए यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे लोग, बट एक ही फंडा फॉलो किया हमने कि 45,000 के नीचे रहता है तो शॉर्ट में रहिए। ठीक है, तो ये तीन कैंडल में 44,000 छू गया, ये देखिए जरा यहाँ पे क्या है, इस वाली कैंडल का हाई देखेगा, इधर देखेगा आपको, या फिर यहां पे देखेगा हाई क्या लिखा हुआ है इस वाली कैंडल का, 44,980 है ना, मतलब ये वाला जो प्राइस है कितना है 44,980, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। अब ये तीसरी कैंडल का आप इधर जरा लो चेक करिएगा,
कितना है 43776, तो ये 1200 पॉइंट देगा आपको लगभग 3 दिन में। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ ड्रामा चलेगा, ठीक है, पर एक दो दिन के अंदर ही गेम जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कानो कान खबर नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं लगा पता कि 4633 से आज बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 2500 प्लस पॉइंट फॉल कर चुका है, और ये पैटर्न बना है उसमें 1 2 3 4 5, बट 5 में अब यहां पे एक रेड क्लोजिंग मिली है हमको आज, जो इंडिकेट कर रही है कि जो ये कंसोलिडेशन वाला जोन है ये इसके लोअर बैंड को बहुत छून ये जाने के लिए तैयार है 43350, एंड एनी क्लोजिंग बिलो 43350 विल ओपन द गेट टुवर्ड्स 42583, ठीक है। चलिए बाद की बात है, फिलहाल ये है, फिलहाल समराइज में कर देता हूँ, 44,000 इसके नीचे रहे, आप इसको थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करना चाहे तो 44100 रखिए, ये बीच में बदमाशी करता है जैसे आज भी कर रहा था, 44100 के नीचे रहे टारगेट लेके चलिए, एग्जैक्ट तो 43350 रखना बेवकूफ़ी होगी इस जोन में, ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, अब कंसोलिडेट नहीं करेगा ये 200-300 पॉइंट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही है निफ्टी बैंक निफ्टी, वीडियो पसंद आई हो समझ में आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।